ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में हम जाएंगे सीधे बोटैनिकल गार्डन, वहां से चेंज करके दोबारा से राजीव चौक। तो हम लोग वेट करते हैं मेट्रो का और ये लो भाई अपना मेट्रो भी आ गया। तो ओखला विहार से हम लोग आगे बोटैनिकल गार्डन, यहाँ से जो ट्रेन पकड़े मेट्रो पकड़े वो सीधा राजीव चौक। मौसम बहुत सही है और अच्छा हवा चल रहा है, मिलते हैं राजीव चौक में दोस्तों। यहाँ पर 90s की बहुत ही तगड़ी एक कार दिख गई है। अगर लोग कदर नहीं कर रहे इसकी भाई, ये जो है ना कस्टम मॉडल है भाई। तो बस हम लोग आ गए हैं बीपी के जस्ट अपोजिट में, एक बहुत ही अच्छा पार्क है। इस जगह थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे। भाई जिस तरफ नजर उठा के देखो सिर्फ और सिर्फ कपल है भाई। ये है सीपी का मोस्ट फेमस प्लेस जहाँ पर तुम हमेशा इंस्टाग्राम पर रील्स बनते हुए तुम देखोगे, और आज भी मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रील्स बनाते हुए जरूर दिखेगा यहाँ। हमारी कैमरा वैन पूरी तरह से हथियार से लैस। आराम करने के बाद वापस से हम लोग जा रहे हैं पालिका बाजार की तरफ। पालिका बाजार की बहुत ही खासियत इश्तियाक बताया, क्या है भाई वो खासियत? भाई अभी अगर जाओगे तो सामान सही से ले पाओगे, दिन की रोशनी में चीज कुछ अलग नजर आता है। रात की रोशनी में जाओगे भाई तो इतना ज्यादा लाइट हो जाएगा, कलर समझ नहीं पाओगे। वहाँ कुछ रहेगा, घर पे और कुछ रहेगा। हाँ तो भाई स्कैम हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा तुम्हारे साथ। भाई ट्राउजर शूज सब बहुत सही कलेक्शन है भाई यहाँ पे। भाई यहाँ पे वॉलेट और सन ग्लासेस, बेल्ट, वॉच बहुत तगड़ा तगड़ा है यहाँ पे। तो देखो भाई हम लोगों को कुछ पसंद आया था शर्ट और कुछ जीन्स, मगर ऐसा करने लगे वो लोग। पसंद आया तो जो वाला उसका प्राइस ऑटोमेटिकली हाई कर दिया, सामने में कुछ और बोल रहे थे, जब जो चीज़ पसंद है उसका प्राइस जान रहे थे कि ये चीज़ उन्हें पसंद आया, जान उसके प्राइस हाई कर दिया, तो हमें मजबूरी से छोड़ना पड़ा। इसकी वजह से डिस्प्यूट भी थोड़ा सा हुआ हमारे दुकानदार के बीच में, उनके साथ हमें हाथ धोना पड़ गया दोस्त। इसलिए पहले तुम रेट पता कर लेना, उसके बाद कोई सामान छूना यहाँ पर, वरना तुम ज़बरदस्ती भी तुमको मजबूर कर देंगे लेने के लिए, धमका भी सकते हो तुम्हें। यहाँ पर सेटअप तैयार किया जा रहा है भैया जी, कोलिन का शो हो रहा है यहाँ पर। सामने है पालिका बाजार गेट नंबर 1। अंदर भाई मेरे सामने एक बार पिछली बार क्या होता कि एक कस्टमर ने सिर्फ रेट पूछा तो सारा टी शर्ट वो रैपर से खोल दिया। भाई दुकानदार तो धमकाने लगे, जब लेना नहीं था तो तुमने खुलवाया, झुलाता है हाथ पकड़ पकड़ के अंदर आइए धमका रहा था भाई उसको। भाई ये हम लोग का शॉपिंग है आज, तो एक बैग हमारा पूरी तरह से भर गया, सामान लिया। वैसे है कितने कितने का ये? 100 रुपए की सेल है भाई, इसमें से कोई भी तुम कीरिंग जाके ले सकते हो 100 रुपए में। तो आज अच्छी खासी शॉपिंग हम लोगों ने की है, अब हम लोग वापस रूम की तरफ चलते हैं। भीड़ भाड़ में अंबर हमारा भुला गया, गुम हो गया भाई। कॉल कर उसको, अंबर कॉल आई, अंबर कॉल आई, गुम कहाँ चला गया यार? तो अंबर का भुला गया था नंबर, अंबर मिला कॉल करने के बाद। अंबर आ गया है, अंबर भाई आ गया। ये लावारिस इधर भटक रहे थे यहाँ पे, अब हम लोग जा रहे हैं शूज लेने के लिए। तो भाई हम लोग सामान से पूरी तरह से लैस है, बैग भर गया, दोनों हाथ भर गया। ये देखो देखो देखो
मेरे कैमरे जो लिफ्ट वाला हैंड है मेरे उसके नीचे एक प्लास्टिक और लटक रहा है। इतना सारा शॉपिंग हम लोग भाई पालिका बाजार आना तो खाली हाथ नहीं जा पाओगे भाई। तुम्हें हर दुकान से तुमको एक ना एक चीज़ तुमको लेने का मन करेगा। तो भाई मेरा 300 में बैग खरीदे कितना खुश है जरा देखो। भाई भाई पहले यहाँ से बैग ले गया। अब पता है बाद में 200 में भी दे रहा था। इसको खुशी तो हुई पहले कि इसने 300 में बैग खरीदा, फिर सेम बैग हमें 200 में भी मिल रहा था, वो खुशी डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई हमारी गम में। भाई वो इंसान देख लिया कि इतना जान लो कि पालिका बाजार में चीज सस्ता है। हाँ। और कुछ हद तक उतना कम में अगर तुम खरीद रहे हो तो फिर क्वालिटी उस लेवल का तुम एक्सपेक्ट मत ही करना। बस अब हम लोग आ गए राजी मेट्रो में, यहाँ से निकलेंगे हम लोग अब ओखला विहार की तरफ। तो यार अचानक से हमारा मेट्रो चलते चलते रुक गया यहाँ पे, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। इश्ताक कुछ कहना चाह रहा। देखो वहाँ ऐसे तो खड़े बोल रहे नहीं बैठ के इसको ना यार खास चीज़ लगता बताना चाहिए क्यों ट्रेन रुक क्यों गया यहाँ लगभग 15 मिनट से हम बैठे हैं यहाँ ट्रेन में। कोई बैग खींच के भाग गया है और पता ना कब आएगा वो बताए। फिर सुनने में आया कोई लोग बोला ट्रेन पंचर हो गया है। बताओ तो अभी फिर चक्का जब बदलाएगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसा अश्लील अश्लील बात लोग कर रहे हैं वो देख रहे हैं। अब देखिए क्या होता है आगे, नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे आपको। चलिए बाय बाय। तो आज के ब्लॉग यहीं पर करते हैं। ब्लॉग अच्छी लगेगी अगले दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।